पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने एक बार फिर वर्ष 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा के लिए जो दोषी है उन्हें वोट ना दी जाए। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया है। मैंने ये बात कही है कि मान लो किसी के खिलाफ मुकदमा पेंडिंग है या किसी की भूमिका संदिग्ध है, तो मैंने प्रत्याशियों को ये कहा है कि आप कृपा करके उनको साथ लेके ना चलें, जिसका उल्टा असर पड़े। एहतियात बरतने की बात है, मैंने ये बात कही है। लेकिन जब तक वो दोषी करार नहीं होते तो आप कैसे उनको दंडित कर सकते हैं? नहीं तो फिर आपने वोट के एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार भूमिका तय नहीं की, तो आप कैसे उनको दोषी कर रहे? तो मैं दोषी तो कह नहीं रहा, निर्दोष है वो, मेरी नज़र में निर्दोष है। आगे न्यायपालिका का काम है कि वो दोषी ठहराते हैं नहीं ठहराते। बीजेपी की भूमिका मैंने ये कहा है कि अगर आम आदमी के खिलाफ 751 का भी मुकदमा होता है तो पुलिस और एसटीएम कोर्ट से उसके खिलाफ फौरन उसके घर पहुंच के उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन 2016 की घटना हो गई, इतनी भयंकर घटना हुई, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ और कितने लोग मारे गए, कितने लोग सैकड़ों की तादाद में जेलों में बंद हैं और मामले कोर्ट में लंबित हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपकी सरकार थी, आपका नैतिक कर्तव्य बनता था सुरक्षा प्रदान करना, आप सुरक्षा प्रदान करने में फेल हुए और जिनके खिलाफ मुकदमे पेंडिंग है और जिनकी भूमिका शंका के घेरे में है, तो मैंने प्रत्याशियों से ये भी अपील की है कि उनको साथ लेके ना चलें जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़े। मैंने ये बात कही। रोहतक से विकास ओहलियान की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए यस टीवी के साथ।